त्रिभुज या त्रिकोण कई मायनों में इस अस्तित्व में एक मौलिक आकार है। इंटीग्रेटेड फॉर्म इज अ ट्रायंगल। सबसे एकीकृत स्वरूप एक त्रिभुज का है। कंक्रीट और स्टील और इस तरह की सभी चीजों के आने से पहले मेरे ख्याल से, खासकर अमेरिका में किसी भी घर में आज भी त्रिकोणीय छत है ना? भारत में हम सपाट छतें बनाने लगे हैं क्योंकि हम कंक्रीट की छतों का इस्तेमाल करते हैं और भारत के मौसम के लिए एक सपाट छत ठीक है। तो यहां आज भी लगभग हर घर की छत त्रिकोणीय है। त्रिभुज ही क्यों? क्योंकि न्यूनतम सामग्री के साथ अधिकतम मजबूती केवल एक त्रिभुज के लिए होती है। अगर आपको उसी मजबूती वाला कोई दूसरा आकार बनाना है तो आपको कहीं अधिक सामग्री लगानी होगी, इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की मजबूती को भी बढ़ाना होगा। लेकिन एक त्रिभुज के आकार में बहुत कम सामग्री से आप अधिकतम मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा दुनिया में कहीं भी लकड़ी के दो डंडे लेकर और धरती को आधार की तरह इस्तेमाल करके घर बनाए जाते थे। तो ये बस उन घरों की बात नहीं है जो आप बनाते हैं। यहां तक कि दिव्य हाथ ने, यहां तक कि सृष्टा के हाथ ने भी आपके भीतरी और बाहरी बुनियादी स्वरूप के निर्माण के लिए एक त्रिभुज को चुना। अगर आप किसी आणविक संरचना को देखें तो यह कई मायनों में त्रिभुजों का एक जटिल संयोजन होता है। इसी तरह अगर आप मानव शरीर को एक अलग स्तर पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें ऊर्जा शरीर जैसी एक चीज होती है। ऊर्जा एक खास तरीके से शरीर में गतिशील होती है और कार्य करती है। योग में इस बारे में एक पूरी समझ मौजूद है और आपके पूरे सिस्टम में ऊर्जा कैसे कार्य करती है इसे अनुभव करने का एक खास तरीका है। अगर आप इसे जागरूकता के साथ देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपके सिस्टम का निर्माण किसी तरीके से हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके शरीर का सबसे बुनियादी स्वरूप एक त्रिभुज का है। सभी नाड़ियां त्रिभुज के रूप में मिलती हैं। जिसे हम चक्र कहते हैं वो वास्तव में त्रिभुज हैं। नाड़ियां हमेशा त्रिभुज के रूप में मिलती हैं। हम उन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि वो गतिशीलता का प्रतीक है। तो एक गोल चक्र के अंदर वो नारंगी त्रिभुज आगना चक्र है जो आत्मज्ञान और ज्ञान और जानने और बोध का चक्र है, क्योंकि योग बोध पाने का विज्ञान है, योग चरम बोध का विज्ञान है। तो ईशा योग चरम बोध के प्रतीक एक चक्र में नारंगी त्रिभुज का इस्तेमाल करता है। और अगर आपने यंत्र देखे हो तो दक्षिण भारत में बहुत से यंत्र हैं। क्या आपने देखे श्री चक्र और उस तरह की चीजें? यंत्र का मतलब है एक ऊर्जा रूप। अगर आप कुछ विशेष रूपों का निर्माण करते हैं तो उनमें कुछ खास ऊर्जा होती है, वो कुछ खास मात्रा में ऊर्जा धारण कर सकते हैं। सभी यंत्र हमेशा त्रिभुज से बनाए जाते हैं। वो त्रिभुजों की जटिल संरचनाएं होते हैं क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा प्रणाली इस तरह से बनी है। कई मायनों में अस्तित्व के मूलभूत पहलू इसी तरह से बने हैं। इसीलिए त्रिभुज है।